रेलवे स्टेशन पर बहू का प्याज पराठा पिज्जा। पराठा ले लो पराठा, प्याज का गर्मा गर्म पराठा। पराठा ले लो पराठा, प्याज का पराठा ले लो पराठा। पूर्वा रेलवे स्टेशन पर प्याज का पराठा बेच रही होती है, लेकिन इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनमें से कोई भी उसके पास उसके प्याज के पराठे लेने आता ही नहीं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से समय हो गया लेकिन किसी ने भी मेरे प्याज के पराठे खरीदे ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शाम तक घर पर राशन कैसे लेकर जाऊंगी, घर का राशन भी खत्म हो गया है। पूर्वा के दिमाग में बहुत सी टेंशन चल रही होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी मेहनत के साथ प्याज का पराठा बेचती रहती है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास काफी सारी दुकानें थी जहाँ पर प्याज के पराठे बिक रहे थे। इसी के चलते पूर्वा की दुकान से कोई भी प्याज का पराठा खरीदता ही नहीं। जैसे तैसे करके पूर्वा कुछ पैसे कमाती है, जिससे केवल वह रात का ही खाना खरीद पाती है और वापस अपने घर लौट आती है। क्या हुआ बहू, तेरे चेहरे से लग रहा है जैसे तेरा आज काम सही से चला नहीं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज मेरा काम सही से चला ही नहीं। किसी ने भी प्याज के पराठे नहीं खरीदे, ऐसे में आप ही बताओ मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं। पूर्वा की ये बात सुनकर करिश्मा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पति और उसका बेटा दोनों ही बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े होते हैं। अरे ये क्या कर, ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने पतियों की बीमारी के लिए उनकी दवाई कहाँ से लेकर आएंगे, और दवाई समय पर नहीं दी गई तो फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो भी पराठे बनाऊं उन्हें और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करूं, जिससे कि लोग उन्हें खरीदे। रात को सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पूर्वा अपने प्याज के पराठे को और अच्छे से बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह नाकामयाब रह जाती है। इन्हें जितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करो उतने ही बुरे बनते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरे पास और समय भी नहीं है, मुझे जल्दी ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपना ठिया लगाना होगा। पूर्वा थोड़ी सी देर प्याज के पराठे बनाने की कोशिश करती है और उसके बाद वह वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह पूरे दिन मेहनत करती है लेकिन कोई भी उसका प्याज का पराठा खरीदता ही नहीं। तभी कुछ कॉलेज के लड़के उसके पास आ जाते हैं और उससे प्याज का पराठा मांगने लगते हैं। आपके प्याज के पराठे तो बिल्कुल ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहे हैं, एक काम कीजिए जरा दो प्याज के पराठे बना दीजिए। अरे भाई तू यहाँ से क्यों खा रहा है, मैं तो कहता हूँ दूसरी दुकान पर चल, आजकल लोग अलग अलग तरीके के प्याज के पराठे बनाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाकी दुकानों पर महंगे पराठे मिलते हैं लेकिन यहाँ पर प्याज का पराठा सस्ता है, और फिर मेरे पास ये चीज भी है, मैं प्याज के पराठे पर ये चीज लगाकर खा लूंगा तो पराठा पिज्जा की तरह लगेगा मुझे। आरिफ की बातें पूर्वा सुन रही होती है। जैसे ही पूर्वा गर्मा गर्म प्याज का पराठा आरिफ को देती है, आरिफ उसके ऊपर चीज लगाकर उसे पिज्जा की तरह खाने लगता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया आरिफ, यह मामूली सा पिज्जा पराठा बिल्कुल पिज्जा की तरह लग रहा है, इसका तो एक सेकंड में टेस्ट ही बदल गया। उन सभी की आपस की बातें सुनकर पूर्वा सोचती रह जाती है, जिसके चलते वो आरिफ से पूछ ही लेती है। अरे सुनो जरा, मुझे ये जानना है कि ये तुमने क्या लगाया है पराठे के ऊपर जो पराठा इतना टेस्टी हो गया है। अरे तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, आजकल तो इसके पीछे लोग पागल हैं, हर एक चीज के ऊपर लगाकर खाते हैं, इससे तो हर एक चीज का स्वाद ही बदल जाता है। अगर तुम इसे अपने पराठे के साथ लगाकर लोगों को देना शुरू करोगी तो लोग तुम्हारे प्याज के पराठे को प्याज का पराठा नहीं बल्कि प्याज का पिज्जा पराठा कहेंगे। पूर्वा ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद पूर्वा आरिफ से पूछती है, वैसे तो ये कमाल की चीज लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं ये कहाँ से खरीद सकती हूँ और इसका नाम क्या है। अरे तुम्हें ये किसी भी दुकान पर मिल जाएगी, बस तुम्हें दुकान वाले को कहना है कि मुझे चीज दे दो। ऐसा कहकर आरिफ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूर्वा के पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं उनसे वो दुकान से जाकर चीज खरीद कर ले आती है और उसे अपने प्याज पराठा के ऊपर लगाकर बेचना शुरू करती है। जैसे ही वो प्याज पराठे के ऊपर चीज लगाकर बेचती है, सभी लोग उसकी दुकान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, पिज्जा तो बहुत बार खाया है लेकिन प्याज पराठा पिज्जा मैं पहली बार खाने वाला हूँ, जरा मुझे दो प्याज पराठा पिज्जा लगा दो। प्रमोद के ऐसा कहने पर पूर्वा उसके लिए दो प्याज पराठा पिज्जा लगा देती है, जिसे खाते ही वो प्याज पराठा पिज्जा के गुणगान गाने लगता है। अरे वाह आहा, इस प्याज पराठा पिज्जा ने तो पिज्जा को भी फेल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट है सच में, मजा ही आ गया, पूरे पैसे वसूल। ये लो तुम्हारी कमाई के पैसे। प्रमोद पूर्वा को पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई पूर्वा की दुकान पर आता ही रहता है और उससे प्याज पिज्जा पराठा खरीदता है। अरे वाह, आज तो सचमुच मेरी कल्पना से ज्यादा की कमाई हो गई, अब तो मैं रोजाना प्याज पिज्जा पराठा बेचा करूंगी, इससे मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ।
शाम तक पूर्वा अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद अपने पति और अपने ससुर की दवाई लेकर और घर का राशन लेकर वापस घर पहुंच जाती है। ये सब देखकर उसकी सास करिश्मा उससे कहती है, अरे बहू क्या बात है, लगता है कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी। अरे माँ जी बिल्कुल सही समझ रही हो, लॉटरी से कम भी नहीं है। आज आपको पता है पूरे महीने के एक ही दिन में पैसे कमा कर आई हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बदौलत। क्या कह रही है बहू, कहीं दिन में दो पैक तो नहीं लगा लिया तूने? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल होशो हवास में खड़ी हूँ। देखो इसे जरा ध्यान से देखो, इसे चीज बोलते हैं और इसकी वजह से आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। बस वो तो कुछ कॉलेज के लड़के मेरी दुकान पर आए और इसके बारे में बताने लगे, उसके बाद मैंने इसका इस्तेमाल किया और आपको पता है मेरी दुकान प्याज पराठा पिज्जा के नाम से फेमस हो गई है रेलवे स्टेशन पर। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है हमारे दुखी के दिन जल्दी ही जाने वाले हैं। दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके चलते पूर्वा रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा पिज्जा बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। अब पूर्वा उन पैसों से अपने पति और अपने ससुर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिन में पूर्वा का पति और उसका ससुर बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद पूर्वा का पति उससे कहता है, पूर्वा तुमने बहुत मेहनत की है और आज तुम्हारी दुकान पूरे रेलवे स्टेशन पर फेमस हो गई है। मैं दूसरों की नौकरी करने से अच्छा तुम्हारे साथ ही काम करना शुरू कर देता हूँ, हम दोनों मिलकर इस काम को और अच्छे से करेंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा होगा, चलिए फिर आज मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्याज पराठा पिज्जा बनाना सिखाती हूँ। पूर्वा अपनी दुकान पर अपने पति को ले जाती है, जिसके बाद वो उसे प्याज पराठा पिज्जा बनाना सिखाती है, जिसे सीखने के बाद अब अरुण अपने हाथों से प्याज पिज्जा पराठा बनाता है और वहीं दूसरी तरफ पूर्वा उन्हें लोगों को बेचती है। देखते ही देखते ही वो रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेते हैं और खूब पैसा कमाने लगते हैं। बहुत जल्द उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और अब वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूजा त्रिलोकी साहब के दो बेटों में एक इकलौती बेटी थी। त्रिलोकी पटवारी नगर का एक बड़ा व्यापारी था और उसने अमीरी की वजह से अपने तीनों ही बच्चों को बिल्कुल नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था और अब पूजा जवान हो चुकी थी। अरे शांति, मैंने पूजा के लिए एक बहुत ही अच्छे घराने में लड़का पसंद किया है। लड़का समझदार है और शहर में उसकी अच्छी बात है, हमारी बच्ची वहाँ बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छी बात है, तब तो आप जल्दी ही शादी के लिए हाँ कर दो। इससे पहले शांति अपनी बात को पूरा करती, पूजा ने बीच में आकर उसकी बात को काट दिया। माँ बाबा, ऐसे बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूँगी। लेकिन क्यों बेटा? बाबा मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी है, कभी आपका कहा नहीं टाला, लेकिन शादी जैसा बड़ा फैसला बस धन दौलत को देखकर नहीं लिया जा सकता है। आप भले ही उस इंसान से मेरी शादी करा दो, लेकिन मैं कभी भी वहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के इस अहम मामले का फैसला आप मुझे खुद लेने दें। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। पूजा की बात को दोनों माँ बाप शांति से सुन रहे थे। त्रिलोकी ने कुछ देर विचार किया, वो एक समझदार आदमी था। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम अपने पसंद के जीवन साथी के साथ ही खुश रहोगी तो मैं बीच में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करूँगा। पूजा बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपने परिवार वालों को अमित से मिलवाया। अमित सभी को पहली नजर में ही पसंद आ गया और कुछ ही दिनों में पूजा और उसके बड़े भाई की शादी हो गई। एक तरफ पूजा एक गरीब परिवार की बहू बन चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े भाई की शादी उनसे भी अमीर परिवार में हुई थी। लेकिन पूजा को अमीरी गरीबी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अमित के साथ खुश थी। इसी तरह गरीब ससुराल में रहते हुए अब लगभग पूजा को एक महीना हो चला था और एक दिन, सासुमा क्या आज मैं मेरी मायके जा सकती हूँ? हाँ बहू क्यों नहीं। शुक्रिया माँ। दोनों सास बहू की बात सुनकर पूजा की ननंद के भी कान खड़े हो गए। पूजा की बस एक ही ननंद थी, अंजलि। अंजलि बहुत ज्यादा खाने पीने की शौकीन थी। उसे जहाँ कहीं भी खाने का मौका मिलता वो उसे हाथ से नहीं जाने देती थी। अपनी भाभी की बात सुनकर अंजलि उठ खड़ी हुई और बोली, भाभी क्या मैं भी आपके साथ आपके मायके चल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम भी तैयार हो जाओ। पूजा अपने पूरे ही ससुराल से बहुत प्यार करती थी। अपनी ननंद को साथ लेकर जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ ही देर में अंजलि भी तैयार हो गई और दोनों ननंद भाभी एक साथ निकल पड़ी। अच्छा भाभी, आप इतने अमीर घराने से आई हो तो आपको हमारे घर में अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होता है ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी ससुराल तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जगह है। दोनों ननंद भाभी इसी तरह बातें करती हुई पहुंच गईं।
पूजा की ननंद को उसके साथ देखकर पूजा के मायके वाले बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की। उन्होंने उसके लिए टेबल पर ढेर सारे पकवान लगा दिए, जिन्हें देखकर अंजलि की आंखें चार हो गईं। देख क्या रही हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। सच? अंजलि ने ऐसे बोलकर उन सभी चीजों पर धावा बोल दिया। उसने नमकीन बिस्किट, मिठाइयां और जूस, हर चीज का बर्तन बहुत जल्दी बिल्कुल साफ कर दिया। अरे सब खत्म हो गया। भाभी क्या ये रसगुल्ला आप खाने वाली हो? कौन सा? ओ ये नहीं, तुम्हें चाहिए? अंजलि ने हामी गर्दन हिलाई। पूजा को उसे देखकर हंसी सी आ गई और उसने वो रसगुल्ला भी अंजलि को ही दे दिया। लेकिन ये सब कुछ देख मन ही मन में पूजा की भाभी शीला चिढ़ने लगी। बिल्कुल खाने पीने के मैनर्स तो धोकर डाल रखे हैं इन गरीबों ने। शीला ने अपना मुंह सड़ा लिया। अंजलि से उस घर में बस शीला को ही परेशानी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि को वहां का चस्का लग गया और उसने मन ही मन रोज वहां आने को सोचा। अगली सुबह पूजा घर की सफाई करते समय बोली, अरे नहीं, मैं अपना चार्जर तो कल अपने घर ही भूल आई हूँ, अब क्या करूँ? इतना सुनते ही अंजलि के कान खड़े हो गए। भाभी अगर आप कहो तो मैं आपका चार्जर ले आऊं। नहीं नहीं अंजलि, मैं अपने भाई अमित को बोलकर मंगा लूंगी, तुम परेशान ना हो। अरे इसमें परेशानी कैसी, और वैसे भी आपके भाई काम से थके हारे आएंगे। नहीं नहीं, मैं ही जाकर ले आती हूँ। अंजलि ऐसे बोलकर तेजी से निकल गई और पूजा के मायके जाकर बैठ गई। सभी अंजलि को देख खुश हो गए और पूजा की माँ शांति ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। अरे शीला, जरा अंजलि के लिए अपने मायके से आई हुई मिठाई तो लेकर आओ। लाती हूँ, ये भुक्कड़ रोज मुँह उठाकर क्यों यहाँ चली आती है? ये लो और जरा आराम से खाना, ये बहुत महंगी मिठाई है, शायद फिर कभी तुम्हें इसे देखना भी नसीब ना हो। ये क्या तरीका है शीला? माँ जी इसे औकात दिखाना कहते हैं। चलती हूँ। शीला बेचारी अंजलि को बेइज्जत करके चली गई। आह बेटा, तुम उसकी बात पर ध्यान ना दो, तुम ये खाओ। जी। अंजलि अपने पसंदीदा पकवान खाकर चार्जर के बहाने से लौट आई। उसे अपनी बेइज्जती तो बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, लेकिन अच्छे खाने की तलब उसे वहां खींच ही लाती थी। इसी तरह से एक महीना होने को आया था और अंजलि रोज किसी न किसी बहाने से उनके घर खाना खाने पहुंच ही जाती थी। एक दिन पूजा बहुत दिनों बाद अपने मायके आई और साथ ही अंजलि भी उसके साथ आई। अंजलि को रोज रोज झेलते हुए शीला भरी पड़ी थी और आज अपनी ननंद के सामने शीला ने अंजलि की बहुत बेइज्जती की। अरे सारी शर्म लिहाज क्या धोकर डाल दी है तुमने? तुम ऐसे रोज बेशर्मों की तरह यहाँ पर क्यों चली आती हो? अरे एक ही दरवाजे से मांगते मांगते तो भिखारी को भी शर्म आ जाती है। तुम किस मिट्टी की बनी हो भुक्कर लड़की? शीला की बातें सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। बस करो भाभी, आप बताओ कि आप कौन सी मिट्टी से बनी हो जो आपके अंदर इतना स्वाभिमान है। अरे मेरी ननद ने गरीबी से आंखें खोली हैं। अगर हम आज इसे दो चार पल की खुशी भी दे देंगे तो इनमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? जो खाना मेरी ननद खाने के लिए तरसती है वो आपको थाली में परोसा हुआ मिल जाता है, और अगर आपको मेरी ननद से इतनी ही परेशानी है तो अब से ना मैं इस घर में कभी कदम रखूंगी और ना ही अंजलि। आपको आपकी अमीरी मुबारक। अरे बेटा। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, जहाँ मेरी ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं है उनके लिए मेरी आंखों में भी कोई रिश्ता नहीं है। पूजा अंजलि को लेकर जाने लगी कि तभी उन्हें पीछे से पूजा के भाई पूरब ने रोक लिया। पूजा दीदी, अंजलि को लेकर कहीं मत जाइए। नहीं भाई, आज तो मुझे मत रोक। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं अंजलि को पसंद करने लगा हूँ और मैं अपनी आगे की जिंदगी अंजलि के साथ ही बिताना चाहता हूँ। इसका यहाँ पर आना, थोड़ा सा घबराना और फिर जी भर कर खाना खाने के अंदाज ने मेरा दिल ले लिया है। बोलो अंजलि, क्या तुम भी? अरे ये सब क्या बकवास है, तुम्हें यही भुक्कड़। बस आप चुप हो जाइए, आपको मेरे मामले में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। शीला चुप हो गई। उसे समझ आ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। अंजलि को पूरब की बात सुनकर शर्म आ गई। पूजा उसकी अदा से सब कुछ समझ गई। दोनों परिवारों में बात हुई और पूरब और अंजलि का रिश्ता पक्का हो गया। मैं अंजलि को हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जो गरीबी की वजह से उसे नहीं मिल सकी। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। पूरब को अंजलि के सभी घरवाले अच्छे से जानते ही थे। थोड़े ही दिनों बाद अंजलि की पूरब से शादी हो गई और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।